ये धान की खेती है, चावल की खेती है, राइस फील्ड थी। यहाँ पे अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में एक मॉडल हम तैयार कर रहे हैं 8 एकड़ के अंदर, जिसमें हम मौसम्बी स्वीट लाइम का प्लांटेशन कर रहे हैं। और साथ में ये आप देख सकते हैं बेड के ऊपर जो है ये मूंग लगाया है, ये कार्बन फिक्सेशन के लिए है। ये जो बीच की जमीन बची हुई है इसके अंदर छोटा किसान जिसके लिए ये मॉडल तैयार कर रहे हैं वो वेजिटेबल ले सकता है, मल्टीपल क्रॉप ले सकता है, ज्वारी, बाजरा, तूर, मक्का या डिफरेंट वेजिटेबल्स ले सकता है। ये जो दूसरा बेड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये ड्रम स्टिक लगाई गई है, ये ड्रम स्टिक के ऊपर नेक्स्ट ईयर ब्लैक पेपर का प्लांटेशन होगा, इसके लिए ये बेड बनाया है। और ये जो बेड बनाने के लिए जो नाली बनाई है, ये जो नाली आपको दिख रही है बेसिकली दोनों तरफ नाली है, क्योंकि प्लांटेशन में अगर वाटर रिटेंशन होगा तो प्लांटेशन सही नहीं होता है, तो इसके लिए पानी इसमें से निकल जाएगा। और मल्टीपल क्रॉपिंग यहाँ पर की जा रही है, ड्रम स्टिक के ऊपर नेक्स्ट ईयर जो है काली मिरी, बीच में वेजिटेबल्स लग सकता है, इसके बीच में मूंग लगाए हैं, तूर लगा सकते हैं या जवारी, बाजरा, मक्का ये लग सकता है, स्वीट लाइम लग सकता है। तो एक ही प्लॉट के अंदर, 1 एकड़ के प्लॉट के अंदर किसान जो है 5 से 6 क्रॉप ले सकता है। धान की फसल में जो मार पड़ रही है, धान की फसल में जो इनकम नहीं है, तो कोई किसान अगर अपने धान की कल्टीवेशन को चेंज करना चाहता है तो ये उसके लिए एक मॉडल अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में तैयार किया गया है।